किलोसी रेस्पेक्टस हमारा आज का सब्जेक्ट जो कि ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा से बिलोंग करता है। इस ऑर्डर में दुनिया के तमाम क्रिकेट्स और ग्रास हॉपर पाए जाते हैं। फिर्गोमॉर्फिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके कलरफुल खूबसूरत पैटर्न्स की वजह से इसको पेंटेड ग्रास हॉपर कहते हैं। इसको आर्क ग्रास हॉपर भी कहा जाता है। दुनिया में किलो सीरीज की अभी तक 5 स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इसकी सिर्फ 1 स्पीशीज पाई जाती है और वो है किलो सीरीज पिक्टस। ये पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल है। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये आपको हमेशा जहाँ पे आग का पौधा होगा, जहाँ पे कैलोट्रोपिस गिगेंटिया का पौधा होगा, ये आपको हमेशा उसी के ऊपर फीड करता हुआ जो है नज़र आएगा, इस तरह से बैठा हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा ये दूसरे सिट्रस प्लांट्स को भी खाना पसंद करते हैं, जिसमें पपीता, नींबू और माल्टा शामिल है। इस आग के पौधे में मिल्की लिक्विड टाइप पॉइजन होता है, क्योंकि ये हमेशा इसी पौधे के ऊपर फीड करता रहता है, तो ये भी जहरीला बन जाता है। ये उन इंसेक्ट्स में से है जो कि बहुत कम शिकार होते हैं। वजह यह है कि जब कोई बर्ड या रेप्टाइल इनको खाता है तो ये कैलोट्रोपिस गिगेंटिया से हासिल किया गया जो पॉइजन होता है ये उसके मुँह में निकाल देते हैं, फॉर्म की सूरत में भी और लिक्विड की सूरत में भी निकाल देते हैं। तो इस वजह से वो बर्ड या रेप्टाइल इनको उल्टी की सूरत में वापस बाहर निकाल देता है। और एक दूसरी वजह ये कि इनका जो खूबसूरत कलर पैटर्न है ये वॉर्न कलर होता है। जिस तरह से हम लाल रंग को खतरा समझते हैं, इसी तरह से जब कोई बर्ड या रेप्टाइल इनको पहली बार खाता है और उल्टी की सूरत में बाहर निकाल देता है, तो वो बर्ड या रेप्टाइल हमेशा याद रखता है कि इस कलर वाली चीज़ को दोबारा ज़िंदगी में नहीं खाना। तो मेल और फीमेल की पहचान करना बहुत ही आसान है। मेल का साइज़ जो होता है वो फीमेल की साइज़ की निस्बत छोटा होता है, और फीमेल साइज़ में बड़ी होती है। फीमेल का जो एब्डोमन, जो तीसरा थर्ड आखिरी पार्ट होता है, ये मेल की निस्बत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर इनके ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो समर में नॉर्मली इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। मेल फीमेल के ऊपर बैठ के खुद को एडजस्ट करके 3 से 8 घंटों तक जो है मेट कर सकता है। मेटिंग के बाद फीमेल एक मॉइस्चराइज जगह ढूंढती है, नमी वाली जगह ढूंढती है, और उस जगह को ढूंढने के बाद इसके जिस्म का जो तीसरा हिस्सा होता है जिसको एब्डोमेन कहा जाता है, ये उस जगह में ज़मीन के अंदर धंसा देती है। तो उसके बाद होता है अंडे देने का प्रोसेस स्टार्ट। अंडे देने के इस प्रोसेस को ओविपोजिशन कहा जाता है, और जिस्म के जिस हिस्से से ये अंडे देती है इसको ओविपोजिटर कहा जाता है। फीमेल जो है 80 से लेके 200 के करीब अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद फीमेल जो है ज़रूरत पड़ने पर उन अंडों के ऊपर एक फॉर्म टाइप लिक्विड को भी जो रिलीज़ कर देती है, ताकि वो अंडे जो है मॉइस्चराइज रहें। और अंडे देने के बाद फीमेल उस सुराख के ऊपर, उस बोरे के ऊपर एक वाटरप्रूफ प्लग लगा देती है, ताकि दूसरे शिकारियों से अंडों को खतरा ना हो और अंडों का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहे। और उन अंडों में से टेम्परेचर के लिहाज से, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है बच्चे निकलते हैं। 1 महीने के बाद भी बच्चे निकल सकते हैं, 5 महीने के बाद भी बच्चे निकल सकते हैं। अंडों से बच्चे निकलने के बाद एक खूबसूरत प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसको मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहा जाता है। ये इंसेक्ट में वो प्रोसेस होता है जिसमें इंसेक्ट अपने जिस्म की बनावट, शक्ल तब्दील करते रहते हैं, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक वो इंसेक्ट फुली एडल्ट, जवान ना हो जाए। तो अंडों से निकलने वाले बच्चों को निम्फ कहा जाता है। निम्फ का कलर पैटर्न जो होता है एडल्ट से टोटली चेंज होता है। अभी मैंने एक निम्फ को भी लोकेट कर रखा है, मैं इसको पकड़ के आपको दिखाता हूँ। अगर आप गौर से देखें, ये है हमारा एडल्ट पेंटेड ग्रास हॉपर और ये है हमारा निम्फ ग्रास हॉपर। दोनों का कलर पैटर्न देखिए एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है। निम्फ का जो कलर पैटर्न है ये डॉट स्पॉट्स की सूरत में है, जबकि हमारा पेंटेड एडल्ट पेंटेड ग्रास हॉपर जो है इसका कलर पैटर्न निम्फ से टोटली चेंज है। निम्फ को अगर किसी शिकारी से ख़तरा हो तो ये अपने एब्डोमेन से बैक की तरफ से लिक्विड फॉर्म में पॉइजन निकालता है, जबकि एडल्ट को किसी शिकारी से ख़तरा हो तो ये अपने परों के नीचे से फॉर्म टाइप कुछ लिक्विड जो है रिलीज़ करता है, जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। और एक बात, अगर इनको प्रॉपर खुराक ना मिले तो ये पेस्ट बन जाते हैं, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे ये आपकी सब्जियों को, वेजिटेबल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये थी किलोसीरीज पिक्टस पेंटेड ग्रास हॉपर आर्क ग्रास हॉपर के बारे में शोर सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी टाइम है इनको रिलीज़ करने का, आज़ाद करने का, लेकिन आज़ाद करने से पहले मैं इसका जो पॉइजन होता है वो टेस्ट करना चाहूँगा।
गंदा है, कड़वा है, तो मज़े का है। मैं समझ गया कि क्यों परिंदे जो है इनको खाना पसंद नहीं करते, तो अभी इनको वापस छोड़ देते। आज़ाद करने से पहले पप्पी तो बनती है।